हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस के कारण सर्दी जुकाम और कई अन्य बीमारियां हो सकती हैं। इसी तरह एचएसवी के कारण आंखों में घाव हो सकता है, जिसे हाई हर्पीज के नाम से जाना जाता है। हाई हर्पीज को ऑक्यूलर हर्पीज के रूप में भी जाना जाता है। हाई हर्पीज चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि इस वजह से व्यक्ति को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कुछ मामलों में हाई हर्पीज आंखों की अंदरूनी लेयर तक को भी नुकसान पहुंचा सकता है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि क्या है आई हर्पीज और क्या इसके कारण है। एक्सपर्ट के अनुसार हर्पीज बहुत आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकता है। यह हमारे शरीर में मौजूद तरल पदार्थ यानी कि लिक्विड में मौजूद होता है। अगर इन्फेक्टेड व्यक्ति छींकते या खांसते और मुंह का या नाक से निकला स्रावित फ्लूइड के संपर्क में हेल्दी व्यक्ति आ जाए तो हेल्दी पर्सन जल्दी इन्फेक्टेड हो जाता है। इसी तरह शरीर में स्रावित फ्लूइड हर्पीज के वायरस को पूरे शरीर में फैला सकता है। इसी कारण ये आंखों तक पहुंचकर आई हर्पीज का कारण बनता है। कई बार ऐसा होता है कि टाइम पर इलाज ना होने की वजह से हालत ज्यादा खराब हो जाती है, जो आंखों में काफी प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है। अगर बात करें लक्षणों की, तो लक्षण में तनाव, सनबर्न, ट्रॉमा या फिर सिवियर पेन होना शामिल है। वहीं एक्सपर्ट की माने तो हाई हर्पीज एचएसवी वायरस के कारण आंखों तक फैलता है। जब हाई हर्पीज की बात होती है तो एचएसवी वायरस आईलिड, कॉर्निया और रेटिना को अफेक्ट करता है। अगर हम बात करें आई हर्पीज के डिटेल्ड सिम्टम्स के बारे में, तो वो भी सुन लीजिए। आंखों में चुभन होना या किसी चीज का आंखों में अटकने का एहसास होना। हाई हर्पीज के कारण सिर में दर्द भी होता है। लाइट सेंसिटिविटी होना या फिर रोशनी की ओर आसानी से न देख पाना। आंखों में लालपन रहना। कभी कभी पलकों के ऊपरी हिस्से में घाव जैसा महसूस होना। ये घाव फफोले के साथ दाने जैसा हो सकता है। अगर हर्पीज वायरस कॉर्निया आंख के अंदर या रेटिना को अफेक्ट करता है तो आपकी रोशनी धुंधली हो सकती है। चलिए बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आई हर्पीज से फिलहाल कोई बचाव नहीं है। अगर हर्पीज हो जाए तो डॉक्टर से कंसल्ट कर उनकी दी हुई दवाइयां समय पर लेनी चाहिए। इसके बावजूद आई हर्पीज का ट्रीटमेंट करने के लिए ये जान लेना जरूरी है कि हर्पीज आंखों के किस हिस्से में हुआ है। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।